बड़ा एक्शन स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया वैभव कुमार को, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अब इसे हिरासत में ले लिया है। दरअसल केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया था, सीएम आवास में मारपीट का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी एक सामने आया है। जब सीसीटीवी वीडियो में स्वाति मालीवाल को महिला सुरक्षा गार्ड्स घर से बाहर खींचकर लेकर जाती हुई दिखाई दी हैं, और इस पूरे मामले में अभी ही फिलहाल जो मेडिकल कराया गया है, उस मेडिकल में भी चोट का दावा किया जा रहा है। उनके पैर में और गाल पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं, और दो तस्वीरें इस वक्त जुड़ी इस मामले से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ स्वाति मालीवाल को सुरक्षा गार्ड्स पकड़कर बाहर लेकर आ रही हैं, और बदसलूकी हुई नहीं हुई, मारपीट हुई या नहीं हुई, इस पूरे घटनाक्रम में जांच जारी है। लेकिन सुरक्षा गार्ड एक राज्यसभा सांसद को अगर अरविंद केजरीवाल के घर से इस तरह पकड़कर ला रही हैं कि बाहर निकलिए, तो ये कितना गंभीर मामला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैभव कुमार जिन पर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की शह पर ही उन्होंने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया, चूंकि स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार 13 मई को हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, वैभव कुमार एक साथ नजर आए थे कई कार्यक्रमों में, और उनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिस पर भी सवाल ये उठने लगे कि एक दिन पहले तो संजय सिंह कह रहे थे कि महिलाओं के साथ अपमान, महिलाओं के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर उसी आरोपी के साथ वो कार्यक्रम में कैसे पहुंच गए, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, अरविंद केजरीवाल जिनके शह पर ये सब कुछ करवाया गया ऐसा आरोप है, हालांकि सच्चाई कितनी है ये तो तस्वीरें और जो एविडेंस है वो जांच के बाद पूरी तरह से स्पष्ट कर ही देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में अब तक चुप क्यों हैं? और एक नई एंट्री इस पूरे मामले में होती है, हालांकि वो बहुत पुरानी एंट्री है, इस मामले में नई एंट्री कह सकते हैं, जिन्हें अभी आम आदमी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी महिला नेता होने के नाते मिली हुई है। बात हो रही है आतिशी मरलेना की, जो बार बार इस पूरे मामले को लेकर नए नए तर्क दे रही हैं। हालांकि अभी जो सबसे प्रमुख बात वो ये है कि स्वाति मालीवाल के द्वारा थोड़ी सी देर इस पूरे मामले को दर्ज कराने में की गई, उसके बाद जब वो आई तो खुलकर सामने आई, और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संभव है कि पहले प्रयास किया होगा कि पार्टी स्तर पर ही ये पूरा मामला निपटा लिया जाए, ताकि पार्टी की कम से कम इस लोकसभा चुनाव में और भद न पिटे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फ्रंट लाइन लीडरशिप का लगभग पूरा अमला ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, कुछ जमानत पर हैं तो कुछ अंतरिम जमानत पर। लेकिन ऐसे में पार्टी के बारे में क्या स्वाति मालीवाल सोच रही थी या अपने बारे में सोच रही थी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से आरोप मारपीट का लगा है, अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर ये मामला है। और चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष जो रहे उसके साथ ही अगर मारपीट हो और उसके साथ ही अगर बदसलूकी हो, तो महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली महिला आयोग के मुखिया का ये हाल हो, तो आप कैसे ये स्वीकार करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये संस्था आवाज़ उठा सकेगी। हालांकि अभी इस वक्त स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं, सुशील से बात करेंगे अभी। सुशील, ये जो अभी पूरा स्वाति मालीवाल का प्रकरण है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, ये सीसीटीवी अरविंद केजरीवाल के घर का है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो लोग दावा कर रहे हैं या जो वीडियो रिलीज किया गया है वो सीएम हाउस का ही बताया जा रहा है, जिसमें फिलहाल स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी जो है वो बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं, और इसी सीसीटीवी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मामले में ये है कि इन पर आरोप लगाया था, जो फिलहाल विभव कुमार हैं उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये जानकारी फिलहाल पुलिस सूत्रों से मिली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है, और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब विभव कुमार अगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा,
तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाएगी और मेडिकल कराने के बाद उन्हें कंसर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर दिल्ली पुलिस विभव कुमार के रिमांड की मांग करेगी। अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर लगातार वो विभव कुमार की तलाश कर रहे थे। सबसे बात कि जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आया और जिस तरह मेडिकल उन्होंने कराया है उसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि स्वाति मालीवाल को उनके पेट में, पैर में कई जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि सीएम हाउस में उस दिन जरूर ऐसा कुछ स्वाति मालीवाल के साथ हुआ जिसको लेकर वो जिक्र कर रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए मारपीट का शिकायत भी दर्ज करा चुकी है और साथ ही साथ अपना 164 का बयान भी दर्ज करा चुकी है। 164 का बयान का मतलब यही होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कोई बयान देता है, उस बयान को ना तो वो बाद में बदल सकता है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये तय है कि स्वाति मालीवाल जो आरोपों पर बनी हुई है, लेकिन विभव कुमार के बीच के शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। शंकर, ताजा स्थिति क्या है? अभी विभव कुमार तो पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं, पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बयान सामने आए, चाहे आतिशी की बात करें, संजय की बात करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप है। पुलिस क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल का क्या एंगल है, क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? शंकर, आपको आवाज मिल पा रही है, जाना चाहेंगे स्वाति मालीवाल मामले में अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है? स्वाति मालीवाल के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, आज उसी मामले पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आखिरकार दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। विभव कुमार पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगे थे, इल्ज़ाम बेहद संगीन है। जिस तरह से स्वाति मालीवाल के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ विभव कुमार के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, तो ये तमाम जो आरोप हैं ये आरोप बेहद संगीन थे। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार आज दिल्ली पुलिस के द्वारा विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की जो तमाम कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तक उनको हिरासत में रखा गया था और हिरासत में लेने के बाद जब गिरफ्तारी की जो तमाम औपचारिकता है उसको पूरा किया जा रहा था और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, इस मामले में आगे तमाम सबूतों को खंगाला जाएगा और जाना जाएगा कि आखिर किस तरह से यह पूरा मामला हुआ था। जिस तरह से 13 मई को स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से वहां पर जिस तरह से इस मामले में FIR रजिस्टर्ड करवाया गया है स्वाति मालीवाल के द्वारा, तो स्वाति मालीवाल के द्वारा बताया गया है कि उनके साथ में किस तरह से मारपीट की गई थी और उनके साथ गाली गलौज किया गया था। तो कहा जा सकता है कि उन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई और विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विभव कुमार की अगर बात करें तो विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं और जिस तरह से पिछले कई सालों से वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA भी हैं और PA होने के साथ साथ जो पहले भी वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आरोप बेहद संगीन है जिस तरह से विभव कुमार पे लगा। और जिस तरह से अगर स्वाति मालीवाल की अगर बात करें तो स्वाति मालीवाल खुद राज्यसभा सांसद हैं और महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को लेकर पहले भी वो चर्चा के केंद्र में रहती थी, पहले भी अक्सर वो इस मामले को लेकर अक्सर कई विरोध प्रदर्शन और उनकी आवाज़ उठाने का काम करती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में अब आगे की तफ्तीश की जाएगी और विभव कुमार से 13 मई को किस तरह यह पूरा घटनाक्रम सामने आया था, किस तरह से यह मामला हुआ था, इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। स्वाभाविक है। और शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।